हेलो पीपल, इट्स मीशान. थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे. सो फाइनली टुडे आई एम एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग. ये वैसा रिव्यू नहीं है जैसा मैं हमेशा बनाता हूँ, क्योंकि जैसा जो लोग मुझे एक्चुअली डेडिकेटेडली फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मेरे रिव्यूज़, मैं बहुत कम रिव्यूज़ बनाता हूँ. एंड उसका रीज़न यही है कि मेरे रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं. जो नॉर्मली फिल्म रिव्यू वगैरह करने वाले जो होते हैं, वे एक वीडियो में 12 से 13 मिनट में अपनी वीडियोस निपटा देते हैं रिव्यू की. मुझे यहाँ आधे आधे घंटे की दो वीडियोस तक लग जाती हैं. आई मीन यू हैव सीन, आई हैव रिव्यूड एक्सट्रैक्शन, मिर्ज़ापुर, संजू, ये सारी मूवीज मैंने रिव्यू करी हुई हैं पहले. एंड नाउ आई एम रिव्यूइंग ज़ैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग, क्योंकि देयर वाज अ लॉट ऑफ हाइप फॉर दिस. एंड मैं वैसा वाला रिव्यू नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास नोट्स प्रिपेयर्ड है एंड आई एम गोना स्पीक लाइक दो घंटे तक मैं बोलता रहूँगा, क्योंकि 4 घंटे की मूवी है. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर. So what I'm gonna do is I'm just gonna play the movie right here, अपने स्क्रीन पे, एंड मैं बीच बीच से बस सीन्स देखता रहूँगा. एंड आई जस्ट कीप टेलिंग यू दैट वॉट आई लाइक एंड वॉट आई डिडंट लाइक. एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट दिस मूवी इज सो ओके. जस्ट फॉर योर आइडिया, द मूवी इज एक्चुअली प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ. मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाता जा रहा हूँ इसको, लेकिन this movie is something, man, a whole different experience from what we saw in 2017 Joss Whedon version, which is also known as Justice League, because Joss Whedon actually created that. He changed the whole movie, man. I mean, that is so damn unfair. That is so unfair. Itna kuch hai is movie mein. I loved everything. I mean, this movie ki starting se hi matlab super. Okay, before I go further, this is a spoiler, spoiler review. So अगर आप चाहते हैं कि कि आपको spoilers ना मिले, stop watching this video right now, क्योंकि मैं सीधा spoilers में कूदने वाला हूँ. Okay, I have given you my warning. So जैसा मैंने बोला, movie की starting से ही Superman की scream से, जो उसकी death cry थी, उसकी वजह से mother box got activated. That is like a such a important detail, you मतलब 2 घंटे की मूवी बनाने के लिए मूवी की माँ क्या बोलूँ मैं. I'm really pissed, क्योंकि I loved this movie. This movie gave me goosebumps at every moment. 4 घंटे की ये मूवी है एंड मैंने ये वन गो में देखी एंड आई वॉच्ड इट ट्वाइस. ओके, 1 मिनट के लिए भी मैंने इस मूवी से नजरें नहीं हटाई हैं. ठीक है, आई एम नॉट किडिंग. I have not peed, I have not eaten anything. मैंने ये मूवी बस बैठ के देखी है, क्योंकि I was so invested in it. And छोटी से छोटी डिटेल, चाहे वो एक्वामैन को रिक्रूट, अभी वो सीन चल रहा है इसमें एक्वामैन को ये रिक्रूट कर रहा है, एक्वामैन को रिक्रूट करने से लेकर एंड ही इज एक्चुअली गिविंग मनी एंड देन उसके बाद जब जेसन मोमोआ चला जाता है तो दे एक्चुअली सिंग अ सॉन्ग फॉर हिम, जो वहाँ के आइसलैंड दिखाई है आई बिलीव, वहाँ के जो लोग हैं दे एक्चुअली सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर हिम. छोटे छोटे सीन्स मेक एन इम्पैक्ट मैन. सबसे एंड ऑल्सो साउंड इज रियली इम्पॉर्टेंट. म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. देन मोर ऑफ एल्फ्रेड, आई वॉन्ट दैट, आई रियली वॉन्टेड दैट. एल्फ्रेड और ब्रूस वेन के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, क्या है, ये सब मुझे देखना था. मेरा बहुत मन था ये देखने का. Also, people might have missed that, लेकिन जो वो ये सीन है जिसमें लुइस लेन कॉफी लेती है, इसमें जैक स्नाइडर का कैमियो है. सो इफ यू गाइस मिस दैट, गो वॉच दैट व्हेन लुइस इज एक्चुअली गेटिंग हर कॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम. उसमें साइड में जैक स्नाइडर बैठा हुआ है, दैट इज रियली एपिक. सो वंडर वुमेन्स एंट्री सीन, मैन, दिस वॉज समथिंग. आई मीन वो पूरा माँ बहन कर दिया था उस सीन का यार उस मूवी में. इट वॉज लाइक इतना कितना जबरदस्त एक्शन है इस मूवी में, जिस तरीके से शी इज लाइक टॉसिंग बुलेट्स ना, दैट वाज सो एपिक मैन, सो डैम एपिक. आई रियली लव्ड कि इसमें अब जैसे 4 घंटे की मूवी है, और सही में बताऊं तो हर मूवी, यू सी व्हाट्स द डिफरेंस, मार्वल मूवीज में क्या है कि सारे कैरेक्टर्स की एक इंडिविजुअल मूवी आई है, ताकि वो लोग एक स्टोरी आर्क समझ पाए, रिलेट कर पाए उस कैरेक्टर के साथ, उसके बाद एवेंजर्स उन्होंने बनाई. डीसी का बिल्कुल अलग हिसाब है. ठीक है, डीसी ने, विच इज रॉन्ग मेरे हिसाब से, क्योंकि एक इंडिविजुअल मूवी होनी चाहिए थी फ्लैश की, साइबॉर्ग की, एक्वामैन की, पहले जस्टिस लीग से, वंडर वुमन की, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया. तो
आई डोंट नो व्हाई दे डिड दैट, लेकिन दैट इज नॉट द राइट अप्रोच एज फॉर मी. बट अगर आपको ऐसा करना है कि आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स की साथ में एक मूवी बनानी है, तो वो 4 घंटे की बनेगी बनेगी, शायद ज्यादा की भी, क्योंकि एक बिल्डअप क्रिएट करना होता है. यू हैव टू क्रिएट लाइक अ बिल्डअप कि लोग उस कैरेक्टर से रिलेट करें, साइबॉक से रिलेट करें, फ्लैश से रिलेट करें, क्योंकि उन्होंने उसकी कोई मूवी अभी तक देखी नहीं है. सो दैट इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट. मुझे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आई एम अ फैन, राइट? आई हैव रीड कॉमिक बुक्स, आई हैव वॉच कार्टून्स एंड ऑल दैट स्टफ. जितनी एनिमेटेड कार्टून्स आए थे, आई हैव वॉच देम ऑल. सो मैं अच्छे से जानता हूँ डार्क साइड कौन है, फ्लैश कौन है, साइबॉक कौन है, वंडर वुमन, आको वुमन. आई नो एवरीथिंग. आई नो अलग अलग कैरेक्टर्स, जैसे साइबॉक का फादर जो साइलस स्टोन. आई नो ऑल दीज कैरेक्टर्स इनसाइड आउट, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जो लोग ने नहीं पढ़ा है, उनके लिए दैट वॉज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट. मैन, आई रियली लव दिस न्यू स्टेपन वुल्फ लुक. ही लुक्स वेरी बैड एस सेवेज. ही इज नॉट कॉमिक एक्यूरेट दो, जस्ट टू मैंशन दैट. कॉमिक एक्यूरेट जो स्टेपन वुल्फ था, दैट वॉज ओरिजिनल वाली 2017 जो जस्टिस लीग आई थी, विच इज कंसिडर्ड एज कैनन फॉर सम रीजन. उसका जो अपियरेंस था स्टेपन वुल्फ का, दैट इज मोर कॉमिक एक्यूरेट कंपेरेटिवली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मॉन्स्टर लुकिंग है. ही इज लुकिंग मोर खतरनाक, लेकिन ही इज नॉट कॉमिक एक्यूरेट. ओके, सो ही जो अमेजोन के साथ बैटल थी, दैट वॉज रियली ग्रेट मैन. स्टेपन वुल्फ की सो मैनी थिंग्स, सो मैनी थिंग्स, सो मैनी डिटेल्स, एवरी डिटेल इज इम्पॉर्टेंट. साइबॉर्ग मैन, कितना सारी चीजें थी साइबॉर्ग की. साइबॉर्ग वॉज लाइक द मेन हार्ट ऑफ द मूवी. दे एक्चुअली डिलीटेड, जॉश वीडन एक्चुअली डिलीटेड एवरी थिंग रिलेटेड टू साइबॉर्ग. नो वंडर रे फिशर इज सो एंग्री विद हिम, क्योंकि रे, आप देखा जाए तो एवरी कैरेक्टर इज काइंड ऑफ ए लीड, एंड साइबॉर्ग एंड फ्लैश आर लाइक द ओजी ऑफ दिस मूवी. क्योंकि फ्लैश वॉज द वन हु एक्चुअली सेव्ड द डे इन द पास्ट. आई एम सॉरी, टाइम रिवर्स करके इन द एंड फ्लैश वॉज द वन हु एक्चुअली सेव्ड दम ऑल. फ्लैश नहीं होता तो दिस बैटल वॉज लॉस्ट, इट वॉज लॉस्ट. द यूनिटी सक्सीडेड, लेकिन फ्लैश डिड दैट. साइबॉर्ग की कितनी सारी चीजें थी, देर वॉज लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन हु साइबॉर्ग इज, हाउ ही वॉज बॉर्न, उसकी क्या केपेबिलिटीज हैं, हाउ इज रिलेशनशिप विद हिज फादर. There were so many things to, explore. I'm really glad that he got his dues, man. Ryan Choi, I can actually see Ryan Choi है इसमें. People सोच रहे होंगे Ryan Choi is that, lab assistant जो Silas Stone के साथ होता है Star Labs में. The people who don't know, Ryan Choi is actually the character called the Atom. Or it's a DC character. It's a superhero, and the original Atom was Ray Palmer. Ray Palmer is the character जो Legend of Tomorrow में वो play करता था. ब्रेंडन रूथ, सो दैट वॉज द ओरिजिनल एटम. एंड देन उसका मैंटल लेता है रायन चॉय. सो ही इज एक्चुअली द करंट एटम. एंड एटम वॉज द वन जिससे इंस्पायर होके मार्वल ने बाद में एंट मैन बनाया. सो एटम इज लाइक द ओरिजिनल डील, द रियल डील. सो दैट वॉज रियली ग्रेट. लॉट ऑफ रेफरेंसेज, लॉट ऑफ कैरेक्टर्स. वंडर वुमेन एक्सप्लोरिंग डार्क साइड की केव. आई मीन इट्स नॉट डार्क साइड की केव, आई बिलीव इट इज एन एमेजोनियन केव. लेकिन उसमें डार्क साइड के बारे में, मदर बॉक्स के बारे में, देर इज लाइक सो मेनी रेफरेंसेस, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. मतलब ये सब चीजें देखोगे तभी तो स्टोरी बनेगी. ये चीजें नहीं होंगी तो हाउ विल यू इवन अंडरस्टैंड द स्टोरी? आई डोंट गेट इट. आई एम थैंक यू सो मच जैक स्नाइडर. आई रियली विश जैक स्नाइडर ही रहता इसके लिए तो, बट ड्यू टू हिज डॉटर. कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट. बट आई रियली लव दिस बैटल मैन. जो ओल्ड गॉड्स के साथ बैटल है, जूस, एरीज, ग्रीन लैंटर्न, अर्टमिस एंड उसैक्स. उसैक्स इज एक्चुअली द यंग डार्क साइड, जिसे अभी तक ओमेगा पावर्स नहीं मिली हैं. दो ओमेगा बीम्स फ्रॉम हिज आइज, वो पावर्स के पास अभी नहीं है. सो ही इज उसैक्स, ही इज अ यंग टीन एज, आई वुड से डार्क साइड. सो दैट इज उसके साथ बैटल. दैट इट नाउ दैट बैटल एक्चुअली मेक सेंस, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में दिखा 2017 में, दैट इट वॉज स्टेपन वुल्फ, पुराने ओल्ड गॉड्स के साथ फाइट में. और स्टेपन वुल्फ को हराना जब इतना मुश्किल हो रहा है, तो एक सुपरमैन ने इतनी आसानी से पीट दिया उसको, दैट इट डिडंट मेक सेंस दैट टाइम. एंड नाउ इट सीम्स, नाउ आई अंडरस्टैंड कि इट वाज एक्चुअली डार्क साइड. तभी उसे प्रॉब्लम ही ओल्ड गॉड्स को इतना बीट करने में, दे हैड टू ट्राई सो मच. आई एम स्पीकिंग सो क्विक क्योंकि आई वॉन्ट टू कवर इट एज सून एज पॉसिबल. क्योंकि जैसे मैंने बोला, इट इज नॉट उस टाइप काइंड ऑफ रिव्यू, इट इज मोर लाइक अ डिस्कशन. सो फ्लैश का इंट्रोडक्शन सीन, बैरी एलन का, सॉरी, इंट्रोडक्शन सीन, क्योंकि ही इज नेवर कॉल्ड फ्लैश इन द मूवी, ही इज ऑलवेज कॉल्ड बैरी.
क्योंकि ये इसका ओरिजिन है, ही इज नॉट डिस्कवर्ड दैट, वो अपने आप को अभी एक सुपर हीरो फ्लैश अभी बना नहीं, ही जस्ट बैरी एलन विद यू नो स्पीड फोर्स. सो उसका इंट्रोडक्शन सीन विद आयरिस, कैसे एक्सीडेंट होता है, ही सेव्स हर, एक सॉसेज जैकेट जेब में रख लेता है. आई स्टार्टिंग में आई वाज लाइक व्हाट इज ही डूइंग, लेकिन बाद में इट मेड सेंस, दैट्स व्हाट दैट मैटर्स. बैटल सीक्वेंसेस आर सो गुड इन दिस मूवी. साइबॉर्ग की बैक स्टोरी मैन, हिज फुटबॉल मैच, his relationship with his mother, they got the accident, kaise he was in what kind of medical condition, uske body ki kya halat ho gayi thi, that his father just tried anything and everything to save him and he did by the help of mother box. Cyborg actually understanding the potential of his power, ki wo ud sakta hai, he can control any kind of technology. That scene jisme he is actually, you know, wo ek बहुत यू नो फाइनेंशियल फाइनेंशियली फाइनेंशियल डिफिकल्टी से गुजर रही होती है एक लेडी, जिसको वो यू नो एटीएम में ग्लिच करके वो उन्हें पैसे देता है, अराउंड $100,000 और समथिंग लाइक दैट. दैट इज लाइक सो एपिक. यू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ हिज पावर एंड इज एक्चुअली अ गुड गाय. ये अगर चाहे तो बहुत बड़ा विलन बन सकता है, क्योंकि ही इज एक्चुअली द मॉडर्न गॉड. ही इज एक्चुअली अ गॉड, गॉड लाइक पावर है ये. दैट इज रियली ग्रेट, रियली ऑसम. आई एम सो हैप्पी कि साइबॉर्ग के ये सारे सीन्स इंक्लूड किए गए, क्योंकि इट वॉज लॉन्ग ओवर ड्यू मैन. एंड FYI, आई एम एक्चुअली यू नो मैंने फेसबुक पे भी डाला था, ट्विटर पे भी डाला है. मैंने ट्विटर मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मैंने स्पेसिफिकली मैं पासवर्ड ही भूल गया था, फॉरवर्ड पासवर्ड करके मैंने रिट्रीव किया अपना ट्विटर जस्ट टू ट्वीट रिस्टोर द स्नाइडरवर्स. आई एम अप फॉर इट. आई नीड मैन, आई नीड स्नाइडरवर्स. दिस इज रियली ग्रेट. स्टेपन वुल्फ की फाइट विद मेरा एंड इन अटलांटिस वॉज रियली ग्रेट. आई मीन यू अंडरस्टैंड, मेरा इज एक्चुअली इट कैन एक्चुअली मैनिपुलेट एंड कंट्रोल वाटर. वो जो यू कैन सी दैट शी इज सच एन ओजी, क्योंकि वो शी ट्राई टू यू नो गेट आउट ऑल द लिक्विड आउट ऑफ स्टेपन वुल्फ और उसमें ब्लड भी आ रहा था. दैट वॉज लाइक रियली ग्रेट, ऑसम सीन मैन. आई रियली लव दैट सीन. द बैटल विद स्टेपन वुल्फ, जब वो साइलेंस स्टोन को किडनैप कर लेता है, सो बैटमैन एंड ऑल दैट स्टफ. That battle, Flash, Wonder Woman, battle sequences look so much better in this. So much better in this. Really great. Anti-Life Equation, man. I so want to watch Justice League 2, 3. Mujhe sab chahiye. I want more of this. I so want more of this, man. Finally, yes. Lois से मिलने आई है मार्था, सुपरमैन की मदर, क्लार्क कैंट की मदर. एंड वो बाद में पता चला दैट वाज नॉट मार्था, दैट इज एक्चुअली मार्शियन मैन हंटर. दिस वाज अ सरप्राइज मैन. आई वाज जंपिंग ऑन माय सीट. आई वाज एक्चुअली जंपिंग ऑन माय सीट, क्योंकि आई वाज सो हैप्पी कि मार्शियन मैन हंटर. आई एम नॉट, मुझे नहीं लगता कि ये सीन पहले नहीं होगा मार्शियन मैन हंटर का, जिस जैक स्नाइडर ने बाद में डाला होगा, बट मार्शियन मैन हंटर इसमें है. दैट इज रियली ग्रेट मैन, क्योंकि nostalgia, it hits right here, man. It hits right here. Really great. Thank you, Zack. जितना thank you बोलूँ कम है Zack Snyder को. मेरे अंदर का बच्चा इस time पे उछल रहा है मेरे शरीर के अंदर. Seriously, man. जो ये Superman को you know जिंदा करने का sequence है, जिसमें you know जो nightmare sequence आता है Cyborg को, that was really something, man. That was really something. Wonder Woman dies, he kills Aquaman, there's a dead Green Lantern body, Justice League ka sab kuch finish hai, and you get a glimpse of how Flash can actually reverse the time. You get a glimpse of that. That was really awesome. Superman comes alive, Cyborg's dad dies. Jo puri battle hai, wo bhi thodi alag hai. You know, Superman, Flash ke saath, jab Superman comes alive, jo battle hai, wo sari alag hai. Thodi si alag hai. And I just noticed ki pehle, ye maine ek article padha actually, ki jab सुपरमैन यू नो हीट विजन मारने वाला होता है फ्लैश को, फ्लैश बस अपना हाथ ऐसे ऊपर बढ़ाता है. एंड आई वाज लाइक कि वो क्या उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ, या व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू. और बाद में इट मेड सेंस, क्योंकि जब ब्लास्ट होता है, जब व्हेन द यूनिटी एक्चुअली स्टार्ट्स, तब जैसे ही ब्लास्ट होता है तो फ्लैश अपना हाथ आगे बढ़ाता है, क्योंकि ही फेजेस थ्रू द ब्लास्ट. अगर जिन लोगों को नहीं पता, फ्लैश हैज दिस पावर दैट ही कैन वाइब्रेट हिज बॉडी एट सच अ फ्रीक्वेंसी दैट चीजें आर पार हो जाती हैं उनसे. ही कैन फेस थ्रू, एक्चुअली ही कैन फेस थ्रू वॉल्स, एनी काइंड ऑफ मैटर. तो ब्लास्ट से फेज होता है एंड देन ही स्टॉप्स टाइम, एंड स्पीड फोर्स की मदद से ही रिवर्सेस टाइम. सो नाउ इट मेड सेंस, क्योंकि जब सुपरमैन अपना हीट विजन मारने वाला होता है फ्लैश पे, जब सुपरमैन इज रेजरेक्टेड,
फ्लैश अपना हाथ ऊपर करता है क्योंकि ही वॉज एक्चुअली अबाउट टू फेस थ्रू हिज हीट विजन. वो उस टाइम पे उसे बुलेट से फायरिंग होती है तो सुपरमैन की वो रुक जाती है हीट विजन, बट दैट वॉज वॉट ही वॉज ट्राइंग टू डू एंड आई दैट वॉज रियली ग्रेट मैन. फ्लैश वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू फेस थ्रू, यू अंडरस्टैंड फ्लैश की पावर्स, हिज He's OP man. Flash is overpowered. He's great, great superpower. Speed Force. It's so much to explore. I can't wait for the Flash movie. This is going to be really great. बहुत मजा आएगा Flash movie में मुझे. Moving forward, 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 forward. Black suit man. Superman black suit looked awesome. Really great. Really great. फाइनल बैटल में ओ माई गॉड दैट स्लो मोशन सीन, बैट मूवी, एक्वामैन, साइबॉर्ग, वंडर वुमन, फ्लैश, दैट यू नो इट वॉज लाइक यू नो जैसे एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में एक आता है सीन, ये यू नो बिगिनिंग में जो सीन होता है सारी टीम का स्लो मो में एक साथ, दैट स्लो मो वॉज रियली ग्रेट. बैटल सीन इतना ज्यादा चेंज, अपडेटेड, इम्प्रूव्ड, बेटर. जैक स्नाइडर्स विजन, नोबडी कैन डू एक्शन बेटर देन जैक स्नाइडर मैन. आई एम प्रीटी श्योर, आई एम प्रीटी श्योर. किसी कोई भी मूवी उठा के देख लो, चाहे वो वॉचमैन हो, BVS हो, मैन ऑफ स्टील हो, 300 हो, Zack Snyder का एक्शन इज प्रीटी एपिक मैन, प्रीटी एपिक. ऑल्सो लोग बोलते हैं क्रिश्चियन बेल, बट मैं पहले बता दूं बेन एफ्लेक इज द बेस्ट लाइव एक्शन बैटमैन दैट वी हैव एवर गॉटन पीरियड. आई एम सॉरी इफ आई अपसेट यू बाय सेइंग दिस, लेकिन क्रिश्चियन बेल वॉज ओके, वेरी डिफरेंट अप्रोच, लेकिन बेन एफ्लेक इज द बेस्ट बैटमैन, बेस्ट लाइव एक्शन बैटमैन पीरियड. फन फैक्ट, इट वॉज नॉट सपोज टू बी अ ब्लैक सूट, क्योंकि जैक स्नाइडर ने भी यू नो रेड और ब्लू सूट के साथ ही शूट किया था. ये बाद में जो उसके सीन थे उसमें बाद में CGI से उसका ब्लैक सूट बनाया गया, क्योंकि दैट वॉज हिज ओरिजिनल विजन जब उसने ये शॉट किया था मूवी का, लेकिन WB ने उसे करने नहीं दिया बिकॉज इट वॉज लाइक नो ब्लैक विल बी टू डार्क, कीप इट ब्लू एंड रेड. सो ब्लू एंड रेड ही रखा था, सो बाद में ही मेड दिस चेंज दैट ही मेड द सूट ब्लैक. दैट वॉज लाइक रियली ग्रेट. I mean, I am in the final battle now. दिखाया था, you know, final battle is so different. Actually, मुझे याद भी नहीं थी 2017 वाली, you know, Justice League. Zack Snyder's Justice League देखने के बाद मैंने वो, you know, ऐसी बढ़ाते बढ़ाते fast forward में देखी to actually see the changes. And man, that looks absolutely shit in front of this, in front of Zack Snyder's Justice League. The end battle looks so epic and Flash is actually doing something that he deserves, क्योंकि Flash is so overpowered. He can manipulate time travel. He can face through things. He's such an OP. And Justice League उसमें क्या दिया हुआ है, एक family का वो truck को धक्का देके उन्हें बचा रहा है. मतलब this is stupidity man, stupidity. Finally इसमें Flash को वो दिखाया करते हुए जो वो actually कर सकता है, उसे करना चाहिए. He's actually, you know, being a main reason of why Justice League is saved, why Darkseid is unable to succeed, he's the reason the Cyborg was able to stop the Unity. Man, उसके बाद, man, Superman की entry is so epic, man. मतलब वो उसे मारने के लिए जा रहा होता है, he's like, you know, for Darkseid, कहके ही वो अपना axe घुमाता है, and Superman is like, ching, not impressed. And I think this is the first time Superman ki cold breath, jo uski superpower hai, he has heat vision and he has cold breath. So ye superpower pehli baar shayad dikhai hai isme, and what a way to show this power man, what a way. Ki matlab perfect, just he's bam, all done. That was like so great. Everything looks great. You know, the battle with Steppenwolf, matlab Superman is such a god. पावर्स में ही सो ओवरपावर्ड, ही सच अ गॉड दैट स्टीपनवुल्फ को वो ऐसे हराता है, ऐसे जहां इनकी ऐसी तैसी हो रखी है, एक्वामैन की, यू नो, वंडर वुमन की, फ्लैश की, साइबॉर्ग की ऐसी तैसी हो रखी है, दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. सुपरमैन इज एक्चुअली टॉइंग विद हिम, ही इज प्लेइंग विद हिम, एंड आई लव दैट, क्योंकि दैट इज एक्यूरेसी, दैट इज एक्यूरेट. सुपरमैन इज सो ओवरपावर्ड, वो ही इज एक्चुअली अ गॉड. He was the reason that Steppenwolf या Darkseid कोई भी पहले नहीं आया, because they were scared of the Kryptonian, जैसा मैं बताया था पहले. So this is absolutely greatness that कि Superman is able to beat him, क्योंकि अगर Superman को difficulty होती उसे beat करने में, then it wouldn't have made sense कि जब Kryptonian से इतनी मुश्किल हो रही है तो Kryptonian था तब भी ये लोग आ सकते थे पहले भी, why they waited for the Kryptonian to actually die. I really love that and
दिस लुक्स ग्रेट, दिस एंड सीन वॉज प्रेटी एपिक मैन, कि ही जस्ट यू नो बैशिंग हिम एंड जस्ट हीट विजन से उसका एक सीन काटता है, उसका हॉर्न एक यू नो बाप रे काटता है, ही जस्ट यू नो बीटिंग द शेर आउट ऑफ हिम एंड जस्ट लेजर, हीट विजन बीटिंग, हीट विजन बीटिंग, लव दैट. डैम, वैसे कुछ हो ना हो लेकिन विजुअल इफेक्ट्स टीम को इसके लिए पक्का कोई अवार्ड मिलना चाहिए, बिकॉज द विजुअल इफेक्ट्स, द सीजीआई, द एनिमेशन लुक्स सो एपिक, इट लुक्स रियली ग्रेट. फ्लैश की लाइटनिंग से लेकर साइबॉक की बॉडी, यू नो डार्क साइड की स्किन, एवरीथिंग लुक्स, द बैकग्राउंड, एवरीथिंग लुक्स लुक्स सुपर ऑसम. इफ यू इवन लुक एट द डिटेल्स ना, अभी ये सीन आया जैसे बैटमैन ने उसे वो यू नो गन मारी एक पैराडीमन को, तो पैराडीमन का ब्लड एक्चुअली स्क्रीन पे आया और वो हल्का हल्का ऐसे बहते हुए दिखा स्क्रीन पे. मैंने ये पहले नोटिस नहीं किया था, मैं ये अभी नोटिस कर रहा हूँ जब मैं आपके साथ साथ ये मूवी यू नो थोड़ा आगे बढ़ा बढ़ा के देख रहा हूँ. दिस इज फाइन आर्ट मैन, दिस इज आर्ट, दिस इज सिनेमा, सिनेमा फॉर अ डीसी फैन मैन. आई एम लविंग दिस, आई एम एक्चुअली लविंग दिस. जो डीसी फैंस नहीं है उन्हें भी ये मूवी बहुत पसंद आई है, बहुत ज्यादा पसंद आई है. सो यू कैन एक्चुअली इमेजिन कि जो डीसी फैन है, जिसे जैक स्नाइडर का सिनेमा पसंद है, जिसे डीसी कैरेक्टर के बारे में सब कुछ पता है, उसे ही मूवी कितनी पसंद आएगी. एंड दैट इज द रीजन कि मैंने इसके लिए कोई ऐसा रिव्यू नहीं बनाया जिसमें नॉर्मली बनाता हूँ, क्योंकि मैं इस मूवी के बारे में लिटरली पूरे दिन बात कर सकता हूँ, पूरे दिन, सुबह से रात तक पूरे दिन बात कर सकता हूँ मैं इस मूवी के लिए बिना रुके. मैन देयर इज सो मच टू से, इसीलिए आई एम जस्ट यू नो जस्ट सेइंग द मेन थिंग्स. बाप रे, बूम ट्यूब आई है एंड ओके द पीपल पॉज द पीपल हु डोंट नो व्हाट अ बूम ट्यूब इज, जो वो एक इट्स लाइक अ पोर्टल, जिस पोर्टल से वो आता है ना, पोर्टल आया और स्टेपन वुल्फ उसमें से यू नो गिरता है आता है, एंड ऑल्सो दैट पोर्टल जो खुलता है इसमें से डार्क साइड खड़ा है, दिसात खड़ा है, तो वो जो पोर्टल होता है दैट पोर्टल इज एक्चुअली कॉल्ड बूम ट्यूब. इट इज पावर्ड बाय द एपोकलिप्स जो एपोकलिप्स उसका प्लानट है जहाँ डार्क साइड रहता है, वहाँ की टेक्नोलॉजी है मदर बॉक्स, ठीक है, इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिक कंप्यूटर एंड उसकी टेक्नोलॉजी होती है, उसकी मदद से दे आर ओपन एबल टू ओपन दिस पोर्टल. इस पोर्टल को का जो नाम है इन डीसी यूनिवर्स इज कॉल्ड बूम ट्यूब. सो ये बूम ट्यूब होती हैं एंड दे आर एबल टू यू नो बूम, ये बेसिकली साइबॉग ने नाम दिया था इसको, एंड साइबॉग ऑल्सो यूजेज दिस टेक्नोलॉजी टू टेलीपोर्ट. वो इस मूवी में नहीं दिखाया है क्योंकि साइबॉग एंड फ्लैश आर प्रिटी न्यू. सो इस यूनिवर्स में ऐसा दिखाया कि बैटमैन इज हेयर इन गॉथम फॉर 20 ईयर्स नाउ, ही इज ओल्ड. एक्वामैन ने अभी अपने आप को डिस्कवर करना शुरू किया है. वंडर वुमन तो 5,000 साल पुरानी है. सुपरमैन इज ऑल्सो यू नो ओल्ड आई वुड से. लेकिन फ्लैश एंड साइबॉर्ग आर समवन हु आर स्टिल यू नो लर्निंग अबाउट देयर ओन पावर्स. सो अभी साइबॉर्ग को इतना नहीं पता है कि वो क्या क्या और कर सकता है, लेकिन ही हैज एक्चुअली द एबिलिटी ऑफ टेलीपोर्टेशन. ही कैन एक्चुअली टेलीपोर्ट हिमसेल्फ एंड ही कैन टेलीपोर्ट अदर्स ऑल्सो. बूम ट्यूब के जरिए ही कैन अपना हाथ से ही कैन यू नो क्रिएट अ बूम ट्यूब एंड पीपल कैन गो थ्रू पोर्टल्स लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज. सो दैट इज बूम ट्यूब. सो इसमें डार्क साइड है एंड मैन दिस सीन वॉज सुपर एपिक मैन. ही इज लाइक वो यू नो मदर बॉक्सेस को रोका हुआ एंड ही इज लाइक इट्स टू लेट एंड देन फ्लैश. बाप रे, दिस सीन गिव्स मी गूज बम्स मैन. आई एम अ फ्लैश फैन. आई एम अ दिस लुक्स सो ग्रेट. या फ्लैश ने वो रोका एंड ही एक्चुअली फेस्ड थ्रू. दैट्स व्हाई यू कैन यू यू नो जो ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट से ही एक्चुअली फेजेस थ्रू. दिस इज अ ब्लास्ट, ये ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट डन हो चुका है, सब मर चुके हैं, सारा बिल्डिंग्स खत्म, सब कुछ खत्म, एवरीथिंग इज डन एंड ही इज इन फेज. ही हैज एक्चुअली गॉन इन टू स्पीड फोर्स फेज होके, जिसकी वजह से ही वॉज एबल टू डॉज दैट ब्लास्ट एंड ही इज एबल टू सर्वाइव. नाउ ही इज यू नो ट्राइंग टू रिवर्स टाइम. That is like really great, man. Really great. उसे भी पता है कि what will happen if he'll run too fast. इसीलिए he's saying that you gotta do it, Barry. You gotta break the rule and you gotta do it now. क्योंकि he knows that you are not supposed to fuck with the timeline. Not at all. This was so powerful, emotional and inspirational scene. Jen Flash is running and he's just talking about you know his father. That was really great, man. Dad. Whatever happens, I want you to know your son was there. Your kid was one of them, Dad. One of the best of the best. Amazing, amazing dialogues.
जैसे जैसे फ्लैश चल रहा है, यू नो द वर्ल्ड इज फॉर्मिंग, यू नो बिकॉज ही इज रिवर्सिंग टाइम इन अमेजिंग राइटिंग मैन, अमेजिंग राइटिंग. इफ यू गाइस हैव नॉट सीन, यू नो देयर इज दिस मूवी, डीसी एनिमेटेड मूवी कॉल्ड जस्टिस लीग द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स. मैंने शायद इसके बारे में पहले भी बात करी होगी किसी वीडियो में, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखी है प्लीज डू वॉच इट, क्योंकि दैट इज लाइक द बेस्ट डीसी मूवी, डीसी एनिमेटेड मूवी आई हैव एवर वॉच्ड इन माय एंटायर लाइफ पीरियड. अमेजिंग अमेजिंग, इट विल हिट यू राइट हियर मैन. आई सो वॉन्ट टू सी डार्क साइड एंड यू नो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे यहाँ दैट आई एम सेइंग दैट हैश टैग रिस्टोर द स्पाइडरवर्स, क्योंकि आई एक्चुअली वॉन्ट टू सी मोर ऑफ दिस, मोर ऑफ साइबॉर्ग, मोर ऑफ फ्लैश, मोर ऑफ बेन अफ्लेक्स बैटमैन, मोर ऑफ डार्क साइड, मोर ऑफ जस्टिस लीग वॉर, अपोकलिप्स वॉर, बैटल, फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स. इतनी सारी स्टोरी लाइन्स हैं, ये सारी स्टोरी लाइन्स मुझे एक्चुअली देखनी है इन लाइव एक्शन. आई सो वॉन्ट टू वॉच ऑल दिस मैन. क्या मौत देते हैं भाई इसको, स्टेपन वुल्फ को. इज लाइक सो एंग्री, पहला एक्वामैन खचाक ले बनाया तेरा कबाब. इसके बाद सुपरमैन इज लाइक बैम एक पंच, एंड देन वंडर वुमेन इज लाइक फाइनल खचाक. वंडर वुमेन की थीम इज सो एपिक, आई मस्ट से मैन, आई लव वंडर वुमेन्स थीम, दैट इज सो एपिक, सो एपिक. जब भी सुनता हूँ आई गो क्रेजी मैन, सीरियसली. आई थिंक आई विल एक्चुअली डाउनलोड दिस, यू नो ट्रैक. इट्स लाइक Nice, I love that. Visual effects are so great. Darkseid is looking so great, man. Amazing, so fucking comic accurate. I want to see this battle. FYI, लोग कंपेयर करते हैं थैनोस और डार्क साइड को, दोस पीपल हैव नो आइडिया व्हाट डार्क साइड इज. सीरियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ थैनोस बेकार है, लेकिन डार्क साइड के आगे थैनोस एक्चुअली बेकार है. थैनोस इज अ नोबडी अनलेस ही हैज दैट इन्फिनिटी गॉन्टलेट. अगर उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट, इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं है, डार्क साइड विल किल हिम लाइक दैट. ही इज दैट ग्रेट. इवन जो थैनोस का क्रिएटर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, लेकिन जो थैनोस क्रिएट किया था जिसने, उसने भी बोला था दैट डार्क साइड वॉज हिज, यू नो, inspiration to create Thanos. So there's that ending scene was really epic, man. जिसमें ये सारे खड़े हुए हैं, you know, Superman with his black suit, Batman, Flash, Cyborg, Wonder Woman, Aquaman, Flash and Cyborg actually, you know, fist bumps, and वो Batman का ship आ रहा है उनके आगे, you know, खुला हुआ. That scene was really epic. It gives me goosebumps even now that I'm looking at it. What a team, man. What a team. आई सो वॉन्टेड अ ग्रीन लैंटर्न कैमियो, यू नो एक्चुअल ग्रीन लैंटर. ये नहीं कि ग्रीन लैंटर कैमियो इसमें नहीं है, इसमें है, दो बार है इनफैक्ट. एक बार स्टार्टिंग में है जब वो फ्लैश बैक सीक्वेंस हमें दिखता है, जिसमें वंडर वुमन इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट डार्क साइड्स वॉर विद द ओल्ड गॉड्स, एंड दूसरा वो जो नाइट मेयर सीक्वेंस दिखता है उसको, साइबॉक को, उसमें एक यू नो उसकी डेड बॉडी दिखती है हमें ग्रीन लैंटर्न की. बट आई एक्चुअली वॉन्टेड टू सी या तो हेल जॉर्डन या फिर जॉन स्टूवर्ट का ग्रीन लैंटर्न. आई सो वॉन्टेड टू यू नो व्यू दैट, बट कोई नहीं, वी गॉट मार्शियन मैनहंटन इंस्टेड. जस्टिस लीग ऑलवेज यूज टू, मतलब व्हेन इट स्टार्टेड द ओरिजिनल जस्टिस लीग हैड 7 मेंबर्स एंड दे आर 6, सो आई वॉज लाइक कि यार यू नो, बट ठीक है ग्रीन लैंटर्न नहीं तो मार्शियन मैनहंटर लगा दिया उसने. ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ द बैटल, लेकिन आई कैन एटलीस्ट काउंट 7 नाउ, राइट. This ending monologue by Silas Stone, Cyborg's father, was really something. जो इन्होंने relationship explore किया ना अपना, Cyborg और Cyborg के father का जो relationship है, that was really great, man, really great. Aquaman की story with Mera, man. I loved Aquaman, by the way, directed by James Wan. I loved that. Ryan Choi, the new director, Star Labs. Barry Allen got the job of CSI. That is like his original, you know, he goes into CSI because he wants to actually be capable enough to, you know, prove that his father is innocent. He never killed his mother.
फ्लैश की स्टोरी सो एपिक मैन, फादर मदर किल्ड, रिवर्स फ्लैश, सो एपिक। लेक्स ल्यूथर, सो ये इसमें डायलॉग्स में थोड़ा फर्क है, जो ये सीक्वेंस है ना डेथ स्ट्रोक और लेक्स ल्यूथर वाला, आई स्टिल रिमेंबर 2017 के जस्टिस लीग में ये एंड क्रेडिट सीन था, और उसमें ऐसा दिखाया था कि यू नो ये मिले लेक्स ल्यूथर और डेथ स्ट्रोक, एंड ही इज लाइक कि दे हैव फॉर्म, लुक्स लेक्स ल्यूथर बोलता है कि दे यू नो दोज पीपल हैव फॉर्म अ काइंड ऑफ अ लीग ऑफ यू नो आई थिंक दैट वी शुड फॉर्म अ लीग ऑफ अवर ओन, दैट्स व्हाट ही सेज, ऐसा कुछ। इसमें इट्स नॉट अबाउट दैट, इट इज अबाउट बैटमैन एंड डेथ स्ट्रोक, क्योंकि ही इज टेलिंग कि बैटमैन का रियल नेम इज ब्रूस वेन, एंड दिस इज हिम एक्चुअली सेटिंग अप द सोलो बैटमैन मूवी जो ओरिजिनली बनने वाली थी, यू नो बैटमैन की मूवी विच वॉज स्टारिंग बेन एफ्लेक एज बैटमैन, द डायरेक्टर वॉज बेन एफ्लेक एंड द मेन विलन वॉज डेथ स्ट्रोक। आई वुड हैव लव दैट मूवी मैन, लव दैट मूवी। ऑल्सो जो माइकल एंजेलो लुक्स सो एपिक एज डेथ स्ट्रोक, परफेक्ट कास्टिंग यार, जैक स्नाइडर इज सो एपिक विद कास्टिंग, ही नोज विच एक्टर टू कास्ट, सो एपिक, सो एपिक, एवरीथिंग इज एपिक। ओह माय गॉड, दिस नाइटमेयर सीक्वेंस मैन, पैरा डीमंस, बैटमैन, ये बाद में शॉट हुआ, ठीक है, इट वाज नॉट शॉट ओरिजिनली, इट वाज एक्चुअली शॉट यू नो जैक स्नाइडर के टाइम पे, व्हेन ही एक्चुअली गॉट द परमिशन टू डू हिज ओन कट, तब मिला ये। तो इसमें दैट्स व्हाई यू नो द बेन एफ्लेक लुक्स थिनर, क्योंकि यह भी शॉट हुआ है रिसेंटली। जेरेड लेटोस जोकर मैन, पीपल आर स्टिल यू नो स्केप्टिकल कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यू नो इट्स नॉट मेकिंग सेंस, दे आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद हिज जोकर, बट आई एम सो हैप्पी दैट आई एक्चुअली गॉट अ यू नो वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन विद जेरेड लेटो एंड जेरेड लेटोस जोकर एंड बेन एफ्लेक्स बैटमैन, क्योंकि कहने को तो कॉन्वर्सेशन थी बिटवीन यू नो क्रिश्चियन बेल का द डार्क नाइट में, बिटवीन हीथ लेजर जोकर एंड बैटमैन क्रिश्चियन बेल, लेकिन आई नो क्रिश्चियन बेल डिड एन अमेजिंग जॉब, ही इज अ फैबुलस एक्टर, लेकिन दैट इज नॉट द बैटमैन आई ग्रो अप विद, दिस इज द बैटमैन आई ग्रो अप विद, यू नो कॉमिक्स में बैटमैन एनिमेटेड सीरीज, जितना भी कार्टून है, एनिमेटेड मूवीज हैं, कॉमिक्स, बेन एफ्लेक में मुझे वो बैटमैन दिखता है जो मैंने बचपन से देखता आ रहा हूँ, क्रिश्चियन बेल में वो मुझे बैटमैन कभी नहीं देगा, ही वॉज नॉट दैट बैटमैन, बट दिस गाय इज बेन एफ्लेक इज, एंड बेन एफ्लेक के साथ वो जोकर का इंटरेक्शन, एंड दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हाउ द हाउ लुइस डाइड, दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हाउ जोकर किल्ड जेसन टॉड द रॉबिन, रॉबिन को कैसे मारा उसके बारे में बात हो रही है, एंड देर इज सो मच ऑफ ईस्टर एग रेफरेंसेज एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ इन दिस सीक्वेंस, इफ यू आर अ ट्रू फैन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस सीन फॉर अ डीसी फैन, जेरेड लेटोस जोकर, बेन एफ्लेक्स बैटमैन टॉकिंग टू ईच अदर, this looks really great man, acha I love this that cyborg is like he has found us, everyone is super shocked, flash is getting ready with his suit and everything, kyunki unhe pata superman aa gaya, hum marne se koi nahi bacha sakta kyunki ye bhagwan aaya hai, theek hai, yamraj aaye hain seedhe seedhe, so everyone is just getting ready and joker is like he's just laughing because he's like we are screwed, we are dead, he's just laughing That is great, man. Vintage Joker. But I really love this Injustice wala, क्योंकि as people know, ये जो सारा scene दिखाया ना, that Superman is you know bad, anti-life equation से वो you know dark side ने उसे control कर लिया है, and he's gone rogue and he's killing everyone. He's like the dictator. ये this is actually the storyline for Injustice. जो storyline है, it was actually a game जो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो फिर उसपे movie बनी. So, oh sorry, फिर उस पर कॉमिक्स बनी, सो इट वॉज ओरिजिनली अ गेम इनजस्टिस, आई रियली लव दैट स्टोरी लाइन एंड आई रियली वॉन्ट टू सी दैट ऑल्टरनेट टाइम लाइन, ऑल्टरनेट यूनिवर्स, आई वुड लव टू सी दैट नाइट मेयर थिंग। नाउ बेन एफ्लेक, ये बाद में सीन शॉट हुआ था विद बेन एफ्लेक एंड मार्शियन मैनहंटर, आई रियली वॉन्ट टू सी मार्शियन मैनहंटर, आई रियली लव द लुक ऑफ मार्शियन मैनहंटर, द सूट एंड एवरीथिंग, द लास्ट सन ऑफ मार्स, आई लव दैट। Anti-life equation is here somewhere. Dark side is not yet done. Ben Affleck looks so thinner because he actually made that body for you know Batman versus Superman. I mean Batman Justice League ke liye bhi. He was so jacked. Aye man. BVS mein to bhai saab kamal kar diya tha Ben Affleck ne. He was so jacked.
ही वॉज जैक देन हेनरी कविल एक्चुअली मैन आई एम कॉल्ड मार्शल मैन हंटर ग्रेट Finally, for Autumn. Autumn Snyder, wherever you are, rest in peace, your father has made you proud. So, okay. So, the movie ends. I can't believe मैंने फाफ, you know, ये दोबारा जस्ट इसलिए देख ली forward, forward, forward करते करते. But, you guys know, understand. मैं जैसा मैंने बोला, ये review अगर मैं बनाता, proper review, मैं पूरे दिन बैठ के बकवास करता रहता, और मैं memory card ही बदलता रह जाता कैमरे में, और कुछ नहीं हो पाता. क्योंकि There is so much to talk about, and इसीलिए I wanted Sumit, मेरा you know बचपन का दोस्त, मेरा भाई Sumit, मैं चाहता था कि वो मेरे साथ आए. If you guys should know that who Sumit is, he's all over my Instagram, and मैंने उसके साथ दो या तीन videos भी बनाई हुई हैं, so you guys must know him. Plan यही था कि वो मेरे साथ आएगा, and I thought that I'll still not make a review. It will be an interaction, क्योंकि he is also a superhero fan, a DC fan. एंड उसने भी यू नो मेरी तरह कॉमिक्स पढ़ी है, कार्टून्स देखे हैं, सो ही हैज दैट यू नो प्रॉपर नॉलेज ऑफ हु साइबॉर्ग इज, हु डार्क साइड इज, उसे पता है. सो इट वुड बी अ यू नो वेरी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू डीसी फैंस. आई रियली वांटेड टू डू दैट, लेकिन भाई साहब बहुत बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं मिला. इफ यू गाइज फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, और इफ यू डोंट, गो टू दैट वीडियो जो मैंने सुमित के साथ बनाई थी, इट चैप्टर टू, जॉन विक 3, पैराबेलम, Spider-Man Far From Home, इन सारी मूवीज के बारे में मैंने उसके साथ वीडियो बनाई है. उसका इंस्टाग्राम मेंशन होगा डिस्क्रिप्शन में. डू मैसेज हिम इफ यू हैव द टाइम, इफ यू हैव द टाइम डू मैसेज हिम कि अच्छा नहीं किया उसने मुझे गोली देके. बट ठीक है, भाई बिजी था, मैंने उससे दो तीन बार पूछा, ही वॉज एक्चुअली बिजी, सो ही वॉज नॉट एबल टू यू नो गेट सम टाइम. बट दैट्स आई हैड टू डू इट अलोन, एंड स्टिल आई थॉट रिव्यू तो नहीं बनाऊंगा, रिव्यू बनाऊंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा. सो इसीलिए दिस वॉज जस्ट अ डिस्कशन. आई नो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव मिस्ड, but I tried to cover as much as I could for this particular movie. I loved it. Thank you so much, Zack Snyder, Warner Brothers, HBO Max, AT&T, jo bhi hai my baap, please do restore the Snyderverse. I'm dying, man. I'm dying for this. I'm dying to watch this. I actually want to see the conclusion. Jo satisfaction Avengers Endgame dekh ke mila tha na, ki this is how it ends. I actually want to feel that satisfaction again, but for DC this time. So that's all, guys. मेरा गला सूख गया, to be honest. बोलते-बोलते, so I'll have some water. And thank you so much for you know watch. अगर आप अभी भी इस वीडियो में हैं, so you must really love me. या अभी मेरी तरह DC फैन होंगे, क्योंकि ये वीडियो ना 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 करते हुए भी बहुत लंबी हो गई है. So thank you so much if you're still watching this video. And please tell me your thoughts. आप मुझे बताइए, what do you guys think about Zack Snyder's Justice League? And you know comment में लिखिए जो भी आपको लिखना है. And if you like this video, please give it a thumbs up. अगर नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, दैट्स टोटली ओके. इफ यू वांट टू सी मोर वीडियोस लाइक दीज, और इफ यू वांट मी टू रिव्यू समथिंग एल्स, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए. एंड इफ यू वांट, यू कैन यू नो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, स्टारडस्ट, यू नो द ड्रिल. सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. एंड आई हैव अ सेपरेट गेमिंग चैनल जिसमें मैं गेम प्ले वीडियोस डालता हूँ. करेंटली आई एम प्लेइंग हिटमैन 2016 गेम, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट मैन. तो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन यू नो वॉचिंग दैट, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो प्लीज डू वॉच दैट. एंड That's it. I'll see you guys and with a new video. Till then, bye-bye. Take care.